हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइज, अपना व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। मैं क्या है ना, दो दिन से यूट्यूब के इवेंट में गया था लखनऊ में, जो कि इवेंट था मेरे दूसरे व्लॉग वाले नहीं दूसरे शॉर्ट वाले चैनल पे इसका व्लॉग आ चुका है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो फुल वीडियो इवेंट की। तो अभी मैं वहाँ पर था तो मेरी कबूतर कोई और देख रहा था। तो गाइज़, मैं आया हूँ तो मुझे मालूम चला यार मेरी सारी कबूतर बीमार पड़ी हुई है। सब कबूतर मेरी बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, और उसमें से मैं बताऊँ तो 5-6-7 कबूतर मरी पड़ी थी। मैं कल आया था तो 2 कबूतर छत में मरी पड़ी थी, और उससे पहले भी 3-4 कबूतर मर गई थी। तो गाइज़, इतने में ही अपना बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो अभी मैं छत पर आया हूँ, देखो अभी टाइम भी हो रही है। देखो वहाँ पे 2 कबूतर देख लो, वहाँ पर भी सुस्त पड़ी हुई है, और मुझे लगता है 1-2 कबूतर में अभी आया तो ऊपर उड़ करके गई है, और तो मुझे लगता है किसी ने मेरी कुछ कबूतर भी पकड़ लिया है। और गाइज ये देखो कितनी ज़्यादा कबूतर मेरी सुस्त पड़ी हुई है। तो गाइज न रहो तो यार यही बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। इतने में देखो हमारा कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है। ये तो कम कबूतर भी थी, अभी और भी ज़्यादा वो दिक्कत हो रहा है। और तो कुछ कबूतर मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कबूतर है भी नहीं। ये देखो सारी कबूतर, वो भाई साहब ये देखो अभी एक कबूतर का बच्चा यहाँ पे भी मरा पड़ा मिलेगा, देख रहे हो। तो क्या कर सकते गाइस, अभी एक कबूतर का बच्चा उधर भी सुस्त पड़ा है, और भी देखो बाकी सारी बच्चे। ये देखो इसको, देखो ये कितना ज़्यादा, इसको क्या बीमारी है, इसकी आँख में भी कुछ है, और ये भी सुस्त पड़ा है। और भी देखो यहाँ पे कबूतर किसी ने खोल दिया था, मेरे घर के मेरे बड़े भाई ने कबूतर को खोल दिया था, इसलिए सारी कबूतर इधर उधर भी चली गई है। वो लोग कबूतर को मतलब देख नहीं पाते ना अच्छी तरह से, फीड भी नहीं करा पाए होंगे। फीड तो दिए होंगे बट टाइम पे बंद नहीं कर पाए होंगे। तो अभी हम इस बच्चे को रख देते हैं वहाँ पर। तो गाइस यार, हमने सोचा है ना कि कबूतरों को जो है उसी में हम दवा पानी कर देते हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट गए नीचे, हमने खोलने का प्लान बनाया था कबूतरों को, बट हम अभी गए मार्केट से उनके लिए दवा लेकर के आए हैं, जो कि दवा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दवा दिखाओ, ये देखो गाइस इनकी दवा, मैंने दवा बहुत ज़्यादा लाई है, बट इसमें मैंने इनका दवा मतलब छोटा छोटा हिस्से में कर दिया है, ताकि सारी कबूतरों को मैं एक एक गोली खिला दूँ। तो गाइस अभी इनको अंदर ही दवा इनको खिलाने वाले हैं, और इसी में रहने देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुस्त सारी कबूतर हैं। और देखो अभी भी यहाँ पे अभी कुछ कबूतर बहुत ज़्यादा सुस्त लग रही है, जिनका चांस काफ़ी कम ही लग रहा है मुझे। ये देख रहे हो ये लोग तो चल भी नहीं पा रही यार, इनके पैर में नहीं मालूम क्या हो गया है। ओ गाइस यार ये देखो, इसके ऊपर लगता है कैट ने अटैक किया यार बाहर से। ये देख रहे हो इसका एक तरफ का पैर भी नहीं है, और इसका येकला भी पूरा ख़त्म कर दिया है। मुझे लगता है उधर किधर से कैट ने इसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से इसका पैर वगैरह सब कुछ लेकर चली गई। ये बच्चे का बचने का बहुत ज़्यादा कम चांस है। और भी हमारे पास देखो 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11 बच्चे ही बचे हैं, जो कि और हमारे पास टोटल बच्चे थे मुझे लगता है कि 25-30 बच्चे हो गए थे, बट अभी बहुत ज़्यादा ही कम बच्चे बचे यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। तो चलो जितने ही बच्चे हैं सबको हम दवा पहले खिला देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इनका। तो गाइस यार अभी एक बच्चे को पहले हम दवा खिला देते हैं। ये देख लो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार है, इनका भी कम चांस बच रहा है। ये भी देखो इनके ऊपर भी कैट ने मुझे लगता है अटैक किया है। ये देखो यहाँ पर खून लगा हुआ है ना, यहाँ पर देख लो। उसके बाद दूसरे बच्चे को, तो इसको भी दवा खिला देते हैं, ये भी कम ही बचेगा, इसका भी चांस नहीं लग रहा है मुझे बचने का, बट खिला देते हैं सबको एक एक करके दवा। 5 में घोड़ने से सारे बच्चे अच्छी तरह से खा नहीं पाते ना, इसलिए हम पानी में नहीं घोड़ते दवा। इसको भी खिला देते हैं, देखो अब इसको भी खिला देते हैं। ये बहुत ही अच्छा बच्चा था, अभी ये भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है। ये देखो गाइस मुक्खी का बच्चा था, देख लो कितना अच्छा लग रहा था मुक्खी का बच्चा। ये देख रहे हो बहुत ही अच्छा बच्चा था, मूड़ी भी हिलाता था ये वाला बच्चा। इसको भी बहुत ही बुरी तरह से बीमारी हो गई है, हड्डी भी इसकी मालूम चलने लग गई, यहाँ से देखो इसकी हड्डी पूरी मालूम चल रही होगी। बहुत ही अच्छा बच्चा था ये भी, बट इसको हो सके तो हम लोग बचा सकते हैं। ये दो ये वाला देखो, ये था हमारे कलसीरे का बच्चा, ये भी काफ़ी अच्छा बच्चा था, बट इसको भी हो गई बीमारी। इसको देखो गाइस यहाँ पे इसके टोड पे चेचक भी निकली है छोटी सी, अभी हम इस पर स्प्रे मार देंगे ना तो ये स्प्रे से ठीक हो जाएगी। ये दो ब्लैक वाला दो, हाँ ठीक है। तो गाइस अभी हम इसको खिला देते हैं। ये देखो ये भी उड़ान का ही बच्चा है, काफ़ी अच्छा बच्चा है।
तो गाइस यार ये लास्ट बच्चा है जो कि बीमार था, अब इसके बाद सारे बच्चे फिट हैं। मुझे लगता है 10-11 बच्चे थे जो कि बीमार थे, इसके बाद तो सारे बच्चे अच्छे हैं। बट एक बार हम देख लेते हैं उनको और सारे बच्चों को कि और सब कैसे हैं। तो यहाँ पे अभी ये वाला एक बच्चा मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा बीमार है, उसके बाद ऊपर ये एक बच्चा है, बस दो बच्चे और हैं, बाकी सब बच्चे बिल्कुल मस्त हैं। तो अभी हम इनको भी पहले दवा खिला देते हैं। तो गाइस यार अभी हमने सारे बच्चों को अच्छी तरह से देख लिया है, 2-3 बच्चे और जो कि थे जिनको हमने दवा नहीं खिलाया था, वो बीमार थे, तो हमने उनको भी खिला दिया है। और यहाँ पर देखो कुछ कबूतर हमारे अंडे बच्चे पे हो चुकी है, ये देखो। अरे यार ये देख रहे हो गाइस, ये एक बच्चा मर गया है। शिट यार, ये अभी बच्चा मैंने शायद रखा था उसके ऊपर ना, अभी वही वाला बच्चा मरा है। नहीं ये बच्चा इसका निकला था, अभी एक बच्चा देखो, अभी ये वाला अभी मुझे लगता है जस्ट निकला है और तुरंत मर गया। अभी एक बच्चा ठीक ठाक लग रहा है, अंदर है एक बच्चा और ये एक मर चुका है। और हाँ गाइस हमारे दो मुखी के बच्चे थे वहाँ पर थे, मैंने उनको ख्याल नहीं किया, वो दोनों बच्चे भी मर चुके हैं, मैंने उनका ध्यान नहीं दिया था। बाहर मैं अभी गया था तो मेरा भाई बता रहा था कि वो भी मर चुके हैं। तो गाइस यार लगभग काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है यार हमारा, इसलिए यार कहीं जाने का मन नहीं करता मुझे, क्योंकि मैं नहीं रहता हूँ ना तो कबूतर कोई भी नहीं देख पाता है। और अभी देखो यहाँ पे हमारा एक और कबूतर का बच्चा मरा है, देखो ये इस वाले जाली में था, इधर वाले जो जाली थी ना ये वाली जाली खुली थी, मुझे लगता है ये इसी में गया अंदर और यहीं पे मर गया था। बट कोई नहीं गाइस, अब हम आ गए ना, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे धीरे धीरे, और जितने भी कबूतर हमारे बीमार हैं सब कबूतरों को हम अच्छा कर देंगे। कुछ दिन में इंशाल्लाह सारी कबूतर हमारी अच्छे हो जाएंगे, पुरानी कबूतर हमारी कोई भी बीमार नहीं है, सिर्फ जो कि बच्चे थे वही सारे बच्चे बीमार है। तो गाइस यार अभी हम शाम को कबूतर खोलेंगे तो उसकी वीडियो हम फुल बना लेंगे, अभी अभी देख लो धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी शाम के वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।